Ulçağı burada var. Burada var. Burada var. Ulçağı burada var. Burada var. Burada var. Patron Bankro. 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 Giorgina Dosasto burada var. Burada var. Burada var. Giorgina Dosancı burada var. Burada var. Burada var. Giorgina Dosancı burada var. Burada var. Burada var. Giorgian Bankro. 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 Patron Bankro. Bankro. Murdaban, 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 Atmışa Murdaban, 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 Lan Cihaz Bankro, 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 Cihaz Bankro, Kanunlu, 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 Lan Cihaz Bankro, Kanunlu. हमारा प्रदर्शन है वो लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ रहा है, जैसा कि हम सब ने देखा पिछले दिनों श्रीनगर के अंदर भी हमारी सिख बहनों के साथ कुछ मुसलमान लोगों द्वारा ज़बरदस्ती उनकी शादी करवाई गई और उनका धर्मांतरण करवाया गया, मगर विश्व हिंदू परिषद और सिख समुदाय के प्रयासों के द्वारा उन लड़कियों की घर वापसी की गई और उनकी दोबारा से सिख समुदाय में शादी करवाई गई। ऐसी ही एक घटना कल भी हमारे उधमपुर के अंदर नजर आई, जिसमें एक लड़की नितिका नाम की लड़की ने सोशल मीडिया के माध्यम से शाह तारिक शाह फैमिली पे गंभीर आरोप लगाए हैं, मकबूल शाह और उसका लड़का आरफिन शाह। आरफिन शाह ने हमारी उस बहन के साथ धोखे के साथ शादी की और उसको पहले तो उसने ये बोला कि तू हिंदू, जैसे तू अपने हिंदू समाज में रहती है जैसे पूजा करती है वैसे पूजा करेगी, मगर बाद में उसके ज़बरदस्ती उसका धर्मांतरण करवाया गया और उसको चंडीगढ़ से अपने घर में लाया गया और उधमपुर में आके उसको पूरी की पूरी फैमिली उसको प्रताड़ित कर रही है। वो लड़का उसको बोलता है कि तू मेरे पापा के साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप रख। ऐसी बातें हम अपने समाज में ऐसी कभी सुन नहीं सकते, हमारे तो बोलना भी ये पाप है, मगर अगर ये ऐसी हरकत करते हैं तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हम इस घटना का कड़ा विरोध करते हैं और हम सरकार से ये आग्रह करते हैं कि ऐसे गंदे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, धर्मांतरण और लव जिहाद पे कड़े से कड़े कानून लाए जाए ताकि इन लोगों की दोबारा ऐसी करने की कोई ऐसी करने की हिम्मत ना हो। अभी कल एनजीओ, एक एनजीओ का भी नाम, उस लड़की ने एनजीओ का नाम भी लिया है, जी और जीनो जीने दो, उसके जो प्रधान है तारिक शाह, उन्होंने भी आज सुबह शरेआम हमें धमकी दी है कि जो भी मेरी एनजीओ को बदनाम करेगा मैं उसको गोली मारूंगा, मैं कोर्ट में जाऊंगा। वो उसने यहाँ तक बोला है कि मेरा इस विवाह के साथ कोई लेना देना नहीं है, हमारे पास प्रूफ पड़ा हुआ है, हमारे पास शादी की फ़ोटो है जिसमें वो साफ साफ स्टेज पे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। इतना झूठ पता नहीं क्यों बोल रहे हैं। हम गवर्नमेंट से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये आग्रह करते हैं कि ऐसी गंदी एनजीओ को जो समाज के अंदर इतना गंद फैला रही हैं, ऐसी एनजीओ को बंद करें। अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो इसका खामियाजा सरकार भुगतेगी और ये एनजीओ भुगतेगी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कभी भी चुप नहीं बैठेगा।